क्या नाम है बैलों का? इसका नाम है लालू। अच्छा लालू। और ये है कालू। लालू और कालू की जोड़ी बड़ी जबरदस्त है। वो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उड़ले ओ हो Hey guys, welcome back to my new vlog. This is Sonu guys. एक बार फिर से आपका स्वागत पहाड़ों की हसीन और खूबसूरत वादियों से। तो गाइज आज मैं हूँ विलेज बोरगांव में, जो कि उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है, और आज का ही व्लॉग होने वाला है कुछ खास, तो बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में फर्स्ट टेन तक। चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अभी यहाँ पे खेत की सफाई चल रही है। क्या बोया जाएगा इसमें? मसूर लगाएंगे। जब मसूर बोया जाएगा इसके बाद देखिए पूरी घास जो है ना इसकी। इससे पहले क्या लगाया था इसमें? धान और अच्छा धान थे इसमें, तो धान उतने अच्छे होते नहीं यहाँ पे, बंदर और बरहा वगैरह ज़्यादातर रहता है ना, जंगली सुअर। तो पूरी पोजीशन में है यहाँ पे घास वास काटने के। देखिए ये घास काटने के बाद इसमें आएगा ट्रैक्टर, उसके बाद बोई जाएंगे मसूर। भाई ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, यहाँ पे बाघ बहुत ज़्यादा रहता है, तेंदुआ बाघ वगैरह। तो बहुत सारी छोटी छोटी गुफाएँ हैं पीछे की तरफ, और ये पूरा रिस्की जोन है। शाम के वक्त तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लगता है। यहाँ पर अभी खेत में बुआई चल रही है, देखते हैं क्या बोया जा रहा है। आई थिंक मसूर है इसमें। थोड़ा मैं बोने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे आता नहीं है ज़्यादातर। ऐसे होती है बुआई मसूर की। और ये रहा ट्रैक्टर। बारिश हुई नहीं है तो खेत सूख गए हैं, ज़्यादा दिक्कत हो रही है ट्रैक्टर चलाने में भी। तो यहाँ पे किसान लोग आए हुए हैं। हाँ। क्या कैसा लग रहा है खेत में? खेत में अच्छा लग रहा है, कभी कभार तो आना होता है जब फसल तैयार। खाली देखने के लिए आए हम लोग। क्या हो रहा है काम? 70 साल की उम्र हो गई है। अच्छा ऐसा काम आज ही देखा ये। क्या हो रहा है ऐसा काम? ऐसा काम हो रहा है, ये फुदिया हो रहा है, खेत खाली करने हो रहे हैं, और ऐसी घास जमी है। तो क्या बोगे इसके बाद? इसमें अब इसके बाद बोएंगे गेहूं। गेहूं गेहूं बोएंगे, उसके बाद गेहूं हो सकेंगे तो बरहा जानवर जितने भी आएंगे सब साफ कर देंगे। अब हम क्या खाएंगे? सुंगर आएंगे, बरहा आएंगे, और बंदर आएंगे। हमारे क्या हो गया आपकी हाथ में? हाथ में दर्द हुई, परेशान हो गया। क्या हो गया ऐसा परेशान होने? ऐसे खेत हो रहे हैं, बोएंगे तो सुअर आएंगे। कुछ ज्यादा होता नहीं है इसका मतलब? यहाँ पे नहीं होता, परेशानी हो रही है। इससे पहले इसमें क्या लगाया था? भट। इसमें भट लगाया, मड़वा बोया था। अच्छा भट और मड़वा। मड़वा एक दाना भी नहीं ले गए घर में, सारे खाली है सुअर ने। ऐसा ही हो रहा है, क्या करे, ऐसा हाल है। इसमें बोया था मड़वा और मड़वा सब खा गया, बरहा सुअर जंगली सुअर खा गया। ट्रैक्टर आ गए हैं इधर उधर खेतों में, बैल खत्म हो गए, बैल सबने बेच दिए हैं, बैलों का मौसम खत्म हो गया, अब ट्रैक्टर का जमाना आ गया है, तो इसलिए अब ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ज़्यादा जल्दीबाजी हो रही है ये। और घास पहले जंगली सुअर की वजह से खेतों में ही है, अब इसको आग लगाएंगे काट के, ऐसे इसमें बोएंगे मसूर। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं खेत से वापस घर के लिए। सरिता ले जा रही है घास, हो गया काम पूरा। आज यहाँ पे लगा रहे हैं लूटे, देखिए कुछ लूटे लगे हुए हैं यहाँ पे घास के, और यहाँ पे आज फिर से लगा रहे हैं। और मौसम कुछ ऐसा है अभी सुबह का, सुबह के बजे हैं करीब 9। लूटा बनाने की तैयारी की जा रही है ना। पहले गड्ढा किया जाएगा इसमें, फिर इसमें डाला जाएगा लुटियांस। तो अभी गड्ढा खुद गए यहाँ पे, अब इसमें डाला जा रहा है ये देखिए लकड़ी को, लुटियांस को। सही हो रहा है एक्सपर्ट? बस चलो करो मेहनत। ओके है, पास हो गया ये। पास हो गया। इसमें मिट्टी डाली जाएगी सबसे पहले, ये पसीना दिखा दो यार। पसीना आ रहा है? पसीना आ रहा है, इतनी मेहनत लगती है इसमें। आधी मेहनत तो मैंने कर ली है इसमें यार, ये मत बोलो ना, ये गलत बात है। चलो ठीक है, बहुत मेहनती है ये, देखिए पूरी मेहनत से इसको ठोका जा रहा पूरा। थोड़ा बीच में टेढ़ा है ये, जिसमें जाएगा वो एड़ा ना बन जाए। एड़ा बनेगा तो पेड़ा खिला देंगे उसको। तो गाइस हम निकल चुके हैं बोरगांव से होते हुए मलकेश्वर मंदिर के लिए। मेरे साथ है प्रकाश। हाय। कितना दूर है यहाँ से मंदिर?
यहाँ से होगा अप्रोक्सीमेट 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ से। ऊपर की तरफ है चवालचीना, राइट। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर किए जा। तो पुराने गद्दे होते हैं उसकी रुई की सफाई हो रही है ना, तो ये देखिए इस तरीके से सफाई होती है, फिर इसके गद्दे बनाए जाएंगे। तो एक जो रॉ मटेरियल है उसको साफ किया जा रहा है, इससे बनाई जा रही है रुई। तो हम जा रहे हैं अभी चौगावचना से आगे की तरफ। ये रही चौगावचना की छोटी सी मार्केट, इस तरफ भी मार्केट है राइट में। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मचलती आँखों ने, तनसती बाहों ने, गाइस अभी हम पहुंच गए हैं गैर सकेड़ा में, है ना प्लेस। गैर सकेड़ा और यहाँ पे है यहाँ का काफ़ी फेमस धारा, देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी आता है 24 घंटे। पीछे की तरफ है विलेज बजा, ये वाला एरिया। ये स्कूल कौन सा है? ये बजा का ही स्कूल है। अच्छा, प्राइमरी स्कूल बजा है ना। तो ये यहाँ से देखिए पूरे अमेजिंग नज़ारे। ये छोटे छोटे गांव कौन कौन से हैं? ये जो है ना गांव, ये नदीला है। अच्छा, ये नदीला है पूरा, ठीक है, नदीला गांव है। वो नीचे जो मंदिर दिख रहा है वो गोलजू का मंदिर है, वो जो हमारे घर से भी दिखता है सामने, ठीक है वो है। और वो उधर है जूला जो इस साइड दिख रहा है, साइड में, यस। और वो जहाँ धुआं उठ रहा है वो नीचे वो पाटली हो गया, ठीक है। उसके पार तरफ हमारा घर भी दिख रहा है, वो बोरगांव सामने की तरफ, बोरगांव, हाँ वो बोरगांव है। अब इधर को देखोगे जहाँ नदी दिख रही है बिलोना है, ये वाला एरिया। इसी में आगे जहाँ वो दिख रहा है वो बागेश्वर हो गया, सामने की तरफ है बागेश्वर। देखिए काफ़ी ज़बरदस्त व्यू दिख रहा है यहाँ से। हल्के हल्के हिमालयन रेंज भी दिख रही है अभी थोड़ा थोड़ा, देखिए सामने। बट आज क्लाउडी वेदर, हाँ थोड़ा वेदर क्लाउडी हो गया, वरना यहाँ से बहुत ही अल्टीमेट व्यू दिखता है। यह है जोशी गाँव की छोटी सी मार्केट। यहाँ पर अभी बच्चे जंगल से घास ला रहे हैं, देखिए पहले घास नीचे फेंक दी, अब घास को उठाएंगे फिर ले जाएंगे सिर में, क्योंकि नीचे को बहुत डाउन है ना। ये वाला गांव का नाम क्या है? हाँ हाँ, ये गाड़ी खेत। अच्छा, गाड़ी खेत, यहाँ गाड़ी खेत। अच्छा, तो अम्मा आ रही है अभी घास काट के जंगल से, देखिए वाह। आपका नाम क्या है? लोकेश। और ये तो बच्चे ले जा रहे हैं घास, ये देखिए उठा दूं, ये लो। ये है मलकेश्वर महादेव मंदिर का मेन गेट, तो हम जा रहे हैं अभी मंदिर के लिए, चलिए। बच्चे भी जा रहे हैं यहाँ से हमारे साथ घास लेके। छोटा मोटा सेरा है, बहुत अच्छी खेती होती है यहाँ पे। और नीचे है मंदिर, तो अभी यहाँ पे गेहूँ की बुआई चल रही है, क्योंकि यहाँ पे धान वान जल्दी हो जाते हैं ना। धान खेती बढ़िया होती है इस तरफ, प्लेन है ना एरिया, बहुत होते हैं धान होते हैं। अच्छा, बढ़िया होते हैं, बढ़िया होते हैं। हाँ, ये मंदिर औलीगाड़ के गांव में है, छानी के बीच में, बीच में है। अच्छा, छानी और औलीगाड़ के बीच, छानी औलीगाड़ गाड़ीखेत के बीच, तीन गांव के बीच में। अच्छा, नीली हम पहुंच चुके हैं मलकेश्वर महादेव मंदिर में। शिव जी का मंदिर है, काफी प्राचीन मंदिर है, तो मैं आपको दर्शन कराता हूँ अंदर, चलिए। काफी प्राचीन मूर्तियां हैं इसमें, शिव और पार्वती की भी मूर्तियां हैं। काफ़ी प्राचीन नौला है ये भी, देख सकते हैं आप। पानी चेक कर रहे हैं कितना ठंडा है, देखिए साफ पानी है, बहुत ही साफ पानी है। ये है मलकेश्वर महादेव का दूसरा मंदिर। अभी मैं हूँ गांव के खेतों में, यहाँ पे हो रही है गेहूँ की बुआई बैलों के द्वारा, देखिए। ये है हमारे भाई साहब, बैल से कर रहे हैं जुताई। सही चल रहा है काम? काम ठीक ही चल रहा है, बढ़िया बढ़िया। गाँव कौन सा हुआ आपका? छानी। अच्छा, तो दोस्तों ये है विलेज छानी से। हाँ, कुछ लोग ट्रैक्टर से जोत रहे हैं, आप बैल से? ट्रैक्टर ज़्यादा आ गए ना। अच्छा, इस एरिया में भी ट्रैक्टर ज़्यादा, ट्रैक्टर बहुत आ गए। और तो दिमाग में ऐसा नहीं आया कि ट्रैक्टर ही ले लें बैलों से? आया है अब, ये क्या कहते हैं अभी जब तक है ना, हमारे बात तो है, पुरानी परंपरा चल रही है। हाँ, पुरानी परंपरा। अच्छा लगता है वैसे। हाँ, बैलों से जो, बैलों से ठीक ही हो रहा है, जहाँ तक ले जाओ सच, बढ़िया, दिक्कत नहीं होती, दूसरे आदमी की जरूरत नहीं है। और इसमें आदमी लगते हैं ज़्यादा। हाँ, ट्रैक्टर में ऊपर ले जाना नीचे ले जाना दिक्कत होती है, दिक्कत होती है, दो चार आदमी की जरूरत पड़ जाती है। तो इसमें गेहूँ की बुआई हो रही है ना? अब इसमें गेहूँ है, वो नहीं बाया जा रहा है क्या अभी? क्या अभी? अभी खाली ये क्या? अच्छा, पहली बार इसको जोताई हो रही है, जोताई होगी, इसमें पानी जाएगा अब, उसके बाद फिर
फिर बोया जाएंगे। घास वास बोगी क्या बरसीम वगैरह कुछ? हाँ बरसीम बोएंगे इसमें। अच्छा वाले वो जो खेत हैं ये, हाँ हाँ इन्हें में गेहूँ जाएगा। अच्छा और काम क्या चल रहा है आजकल यहाँ? काम क्या चल रहा है, गाजी काट रहे हैं वो, हाँ और फटमाश निकाल रहे हैं, हाँ हाँ और घास घास का चल रहा है, घास का घास काटी जा रही है। हेलो है कैया कै 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 क्या नाम है बैलू का? इसका नाम है लालू। अच्छा लालू और ये है कालू। लालू और कालू की जोड़ी बड़ी जबरदस्त है। हाँ ये लालू है और ये कालू है। खेत में भी गेहूँ बोए जा रहे हैं अभी। घास वास कट गई है यहाँ पे, अब घर ले जाने की तैयारी हो रही है। रात होगी अब ये, और रात होती है ये घास को घर को ले जाते हैं। गाय आई है। अच्छा हाँ, और दूध लगाने का टाइम हो रहा है, घास को ले जाते हैं तब तो गाय दूध देगी। ये है गाँव के रास्ते, देखिए दोनों तरफ फूल लगाए हुए हैं। अपने आप और क्या करनी जाए और जाल भी और ये टाइम बॉय हमारा ना भी बुढ़ापा। अच्छा पाप अब आगे का बॉय कहाँ का बॉय और क्या तू जड़ बहुत हूँ ना। हाँ बहुत तो ठंड बॉय, यहाँ तो हिमालय के बॉय। नाम क्या है? हर्षित बिष्ट। हर्षित बिष्ट, वाह। और इसका नाम? प्रिया बिष्ट। प्रिया क्या बनी है आज, सही बताना है क्या बनी थी ये? ये लड़की बनी थी। नहीं डांस कर रही थी ये? हाँ प्रिया का डांस चल रहा था यहाँ पे, अभी हमको देख के शर्मा गई है ना। अंकेश्वर महादेव मंदिर से अभी हम जा रहे हैं वापस बोरगांव के लिए। ठंड भी काफी ज्यादा पड़ रही है धीरे धीरे, कुछ ज्यादा ही ठंड हो रही है अभी तो। हाँ बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। यहाँ पे जली अभी आग जबरदस्त वाली, ठंड भी काफी ज्यादा हो रही है तो आग सेकने में मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना, एकदम ठंडे हुए कान और हाथ दोनों, तो भी मजा आ गया इसमें। अद्भुत नजारे। तो गाइस आज के इस ब्लॉग को करते हैं पेंट। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मालन ग्लाइडर। फिर मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।